गया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 घंटे के अंदर 12 वर्षीय अपहरण बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। घटना बीती रात की है। गया के बागेश्वरी मंदिर के पुजारी के 12 वर्षीय बेटे को घर से बहला फुसला कर ले अपहरणकर्ता ले गया और रात के करीब 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच 5 लाख फिरौती की मांग अपहरणकर्ता ने की। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और किए गए कॉल के आधार पर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को ट्रेस कर लिया। हालांकि इस बीच आक्रोशित लोगों ने बागेश्वरी मंदिर के निकट अगजनी और सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसी बीच पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाया और बताया कि अपहरण 12 वर्षीय बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बीटी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। ना बच्चा मांगे है। बच्चा कब से गायब है? कल से मेरा बच्चा गायब है सुबह से। प्रशासन कुछ मदद कर रही है? प्रशासन कुछ नहीं कर रही है हमको। प्रशासन क्या बोला? आया था फिर उसको लेके गया था, फिर उसको तो छोड़ के जाके दे दिया, लेकिन मेरा बच्चा नहीं दिया है। तो जो किडनैप किया है सुनने में आ रहा आपसे विवाद है आप लोग का? नहीं, कोई विवाद नहीं है। अच्छा, तो मैसेज भी कर रहा है आप लोग? हाँ, मैसेज कर रहा है कि दे देंगे, लेकिन दे नहीं रहा है। मैसेज में क्या लिखा हुआ? मैसेज में पैसा मांग रहा है 5 लाख। हम 5 लाख कहाँ से देंगे? हम गरीब आदमी है, कमाता खाता। बोरा 5 लाख दो तो छोड़ देंगे। 5 बजे मार्केट में हाथ पहुँचा देंगे हम। मार्केट पहुँचा 5 बजे मार्केट में हाथ पहुँचा देंगे। बच्चा को यहाँ लाने का प्रयास किया जा रहा है। पब्लिक में आक्रोश है। बगल के ही कोई आदमी एक कोई मिश्रा करके हैं, उनको ले गए थे। तो इनके घर आना जाना है। बच्चे की बरामदी हो गई और भी बरामद लाया जा रहा है। और 24 घंटे के अंदर में सर पुलिस की इतनी बड़ी सफलता मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा टीम वर्क है, टीम वर्क के द्वारा ये किया गया है।